एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उन सभी लेडीज का जो नई मम्मा बनने वाली हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपको मेरे थंबनेल को देख के समझ में आ गया होगा मैं किस बारे में यहाँ पे बात करने वाली हूँ। अभी मैं हूँ अपने 8.5 मंथ, मेरा कंप्लीट हो चुका है प्रेगनेंसी का। तो जैसे जैसे हमारी डिलीवरी डेट जो है नज़दीक आती है, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है कि हमें बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। तो और हमारे घर में कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब जो लेडीज़ होती हैं या फिर नानी दादी हमारी देख के हमको आइडिया लगाती हैं, हमारी बेबी बम को देख के आइडिया लगाती हैं कि इसको तो पक्का लड़का ही होगा, इसको पक्का लड़की ही होगी। और अब सच बताऊँ तो मेरा भी एक्साइटमेंट ना थोड़ा बढ़ गया है कि मुझे क्या होने वाला है, मेरी फैब में डिलीवरी होने वाली है। तो मेरी प्रेगनेंसी को 8.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा बेबी ऑन द वे है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको पता चल जाएगी मुझे क्या हुआ है। तो वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि हमें लड़का हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती ये चीज़, क्योंकि हम मम्मी बनने वाले हैं, वही बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। भगवान जी दो जो भी हमें लड़का या लड़की जो भी देता है उसको दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और मैं दिल से वेलकम करूँगी जो भी होगा, इट डजंट मैटर, ओके। और जो भी लेडीज़ हैं या लड़कियाँ जो भी हैं मम्मी बनने वाली हैं या बनना चाहती हैं, मैं भी उनके लिए भगवान जी से प्रे करूँगी कि सब कुछ अच्छा रहे। एंड आप भी मेरे लिए प्रे करना कि बहुत ही अच्छा और हेल्दी बेबी हो। सो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी और उनसे हमको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे जो है बेबी बॉय होने वाला है और बेबी गर्ल होने वाली है, और ये कहां तक सही निकलता है वो तो मेरी डिलीवरी के बाद ही हमको पता चलेगा। सो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ओके। तो इधर मैं इंडिकेट करूंगी बॉय को एंड इधर मैं करूंगी गर्ल को, तो आप समझ जाना। तो कहते हैं कि है ना, अगर हमारी स्किन ग्लोइंग और बहुत ही हेल्दी स्किन हो गई है तो हमें लड़का होने वाला है, और अगर स्किन डल हो गई है, बाल झड़ने लग गए हैं, तो फिर हमें लड़की होने वाली है। तो जो मेरी गर्दन है वो मुझे थोड़ी सी ब्लैक एंड मेरे थोड़े पिंपल्स भी निकले थे, तो इस तरह से मेरी स्किन हेल्दी नहीं हुई है और बाल थोड़े ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये वाला पॉइंट देना चाहूंगी गर्ल को। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है खट्टा और मीठा खाने वाली। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर आप खट्टा तीखा चटपटा खाते हो तो आपको बॉय होता है, और अगर आप मीठा खाते हो स्वीट ज़्यादा खाते हो तो स्वीट सी बेबी गर्ल होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मीठे को लेके कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे मीठा पसंद है, मुझे मीठा कभी भी पसंद नहीं था और मुझे मीठा अब भी पसंद नहीं है, तो इस पॉइंट को मैं देना चाहूँगी बेबी गर्ल। फिर तीसरा पॉइंट आता है हार्ट रेट को लेके, और ये बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हार्ट रेट से रिलेटेड, और ये कितना सही निकलता है मेरे केस में वो मैं आपको बताऊंगी जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको भी पता चल जाएगा। तो हार्ट रेट में ऐसे बोला जाता है कि अगर 140 से नीचे है तो बेबी बॉय आता है एंड 140 से ऊपर है तो बेबी गर्ल आती है। तो यहाँ पे मैं सच बताऊँ, मैंने जब से भी सोनोग्राफीज करवाई है हमेशा मेरी 140 से ऊपर ही चली है, एक दो बार ही नीचे आई होगी, तो इस पॉइंट को मैं देना चाहूँगी बेबी गर्ल। अच्छा, एक ये भी होता है ना कि अगर हमारा प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, ये भी डिपेंड करता है लड़के पे या लड़की पे। मेरे केस में मेरा जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है और ये बेबी गर्ल को जाता है, ये वाला पॉइंट भी। और पोस्टीरियर प्लेसेंटा के लिए बोला जाता है कि बेबी बॉय होता है, तो देखते हैं। फिर उसके बाद में बारी आती है हमारा कि आप जो टमी है वो किस तरीके से कैरी कर रहे हो, मतलब अगर आपका टमी एकदम राउंड शेप में है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर थोड़ा नीचे साइड में है तो फिर बेबी बॉय आता है। तो मैं अपने टमी को जब भी ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे हमेशा से ऐसा फील हुआ है कि मैं लो साइड पे अपने बेबी को कैरी कर रही हूँ, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वो आता है बेबी बॉय को। फिर जो हमारी प्रेगनेंसी टाइम में जो लाइन बनती है पूरी यहाँ चेस्ट से लेके और नीचे तक, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो बेबी बॉय होता है, और अगर टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी भी होती है तो वो बेबी गर्ल होती है, लीनिया नाइग्रा जिसको हम बोलते हैं। तो मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और ये जो पॉइंट है वो जाता है बेबी बॉय को। फिर हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की, जो कि बोला जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस अगर आपको होती है तो ये बेबी गर्ल की तरफ जाता है, और मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो बेबी बॉय आता है, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में फिर भी थोड़ी मॉर्निंग सिकनेस टाइप, मतलब वॉमिटिंग और वो सब स्टार्टिंग के 3 महीने ही रहा था, उसके बाद नहीं हुआ था।
तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला, इसलिए मुझे बेड रेस्ट करना पड़ रहा है। बाकी का सिकनेस जैसा कुछ भी फील नहीं है, मैं कोई कमजोरी बहुत लो फील नहीं करती हूँ, मैं एक्टिव ही रहती हूँ और वैसा ही मैं फील करती हूँ। मेरे लिए बहुत टफ है बेड रेस्ट करना, इसलिए ये पॉइंट है हमारा बॉय। और आई थिंक सबसे ज़्यादा फनी है ये वाला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके हस्बैंड ने भी आपके साथ वेट गेन किया है तो आप एक बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो। सो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ में कोई वेट गेन नहीं किया है, मैंने ही वेट गेन किया है सारा का सारा। सो ये पॉइंट जाता है बॉय। अच्छा, फिर लास्ट अगर मैं बात करूं जो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं चाहती हूँ कि इस बारे में आपको बताऊं, तो ये जो पॉइंट बोला जाता है कि हमारा बेबी अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो बेबी गर्ल होती है और अगर कम एक्टिव है तो बेबी बॉय होता है। मतलब कि बेबी के जो मूवमेंट्स हैं अगर आपको फोर्थ मंथ से ही स्टार्ट हो गई, जल्दी स्टार्ट हो गई, तो वो बेबी गर्ल को तरफ जाती हैं। और अगर आपकी मूवमेंट्स जो हैं आपको लेट स्टार्ट हुई है, मतलब पाँचवें छठे महीने में, तो फिर बेबी बॉय आता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा बेबी है वो सुपर एक्टिव बेबी है और मैंने फोर्थ मंथ से ही इसको फील करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो साइड है, ये वाला जो पॉइंट है, वो जाता है मेरी बेबी गर्ल को। ओके, सो जितने भी पॉइंट्स हैं आई थिंक मैं सब पे बात कर चुकी हूँ। हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि किसी के यहाँ बोलते हैं मीठा खाते हैं तो लड़का होता है, किसी के यहाँ बोलते हैं मीठे खाते हैं तो लड़की होती है। सो आई डोंट नो और अब कितने पॉइंट्स गर्ल को हुए और कितने बॉय को, ये मैंने काउंट नहीं किया है, आप मुझे काउंट करके बताना और देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब ताकि आपको भी पता चल जाएगी मुझे बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। बहुत ही जल्दी ये खुशखबरी मैं आपको देने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी आपके साथ ये शेयर करने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो बना के और आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, आई लव यू ऑल, बाय बाय।